गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हमारा पाठ्यक्रम 10 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मन के साहस। ये जो पाठ है, इस पाठ के लेखिका का नाम है डॉक्टर मधुमन। अब देखिए, इस पाठ में जो है हमें सरिता नाम की जो एक लड़की है उसकी उस साहसी बालिका के आत्मगौरव की एक कहानी है, जिसमें जो है परिस्थितियों से हार नहीं मानी है और हारी हुई बाजी जीत ली। अब देखिए, तो शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ में सरिता नाम की उस साहसी बालिका के आत्मबल की कहानी है, जिसने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और हारी हुई बाजी जीत ली। सरिता बचपन में ही एक भयंकर हादसे का शिकार हो गई थी। हाई वोल्टेज के बिजली के तार से संपर्क हो जाने के कारण सरिता उससे चिपक गई। उसका तन एक जला हुआ घूंट और मन मृतप्राय हो गया। घरवालों, डॉक्टरों, शिक्षकों के प्रयास से सरिता का आत्मबल धीरे धीरे बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने रंगों की दुनिया में प्रवेश किया। अब देखिए, ये जो बालिका दिख रही है आपको चित्र में, ये जो है सरिता नाम की साहसी बालिका है, जिसका देखिए जिसके आत्मबल की ये कहानी है, जिसने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। हमें भी क्या है, परिस्थितियों से हार मानना है क्या? नहीं, इसने हारी हुई बाजी जीत ली। जैसे कि जो ये जो सरिता है, इसके बचपन में एक हादसा हुआ था, एक भयंकर हादसा हुआ था। क्या हुआ था कि जो सरिता है बिजली के हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गई थी और वो जो है तार से चिपक गई थी, जिसकी वजह से जो है उसका जो शरीर है वो जल चुका था। शरीर का एक हिस्सा जल चुका था और वो मृतप्राय हो गई थी, मतलब क्या, मरने के करीब हो गई थी। मर ऐसा लग रहा था कि अब वो बचेगी नहीं। घरवालों, डॉक्टरों और शिक्षकों के प्रयास से जो सरिता है उसके आत्मबल के अंदर वृद्धि होने लगी, बढ़ोतरी होने लगी और धीरे धीरे उसने जो है रंगों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। तो देखिए, शुरू करते हैं हम इस पाठ को। साहस वो विलक्षण गुण है जो मनुष्य को चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और संघर्षों से जूझने की क्षमता प्रदान करता है। विरोचित भावनाओं को उभार कर आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा करने को तत्पर करता है तथा इन सब के परे व्यक्ति को मानसिक रूप से इस प्रकार सक्षम करता है, ताकि वह मन की शक्ति को संजोकर स्वयं को आत्मिक रूप से सबल कर सके। वस्तुतः साहस वह उदात्त भावना है जो मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां बाह्य शक्तियों की अपेक्षा आंतरिक शक्तियों का अधिक महत्व है। इस मन के साहस से मानसिक शक्ति इतनी परिपुष्ट हो जाती है कि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार संघर्ष करने की चुनौती महसूस करता है और हताश हुए बिना हार को जीत में बदलने की क्षमता अर्जित करता है। युद्ध में दुश्मन की सेना का निडरता से सामना करने और दुश्मन को चारों खाने चित करने से भी अधिक वह व्यक्ति साहसी है जो अपने संकल्प की शक्ति से असंभव को भी संभव बना देता है। देखिए, ये जो साहस है वो एक ऐसा विलक्षण गुण है जो कि मनुष्य को क्या है, चुनौतियों का सामना करने की जो है शक्ति प्रदान करता है और संघर्षों से जूझने की क्या है, क्षमता प्रदान करता है। अब देखिए, हमारी जो है आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा करना भी क्या है, करने को जो है ये साहस जो है तत्पर रहता है और तत्पर करता है। इन सब के परे जो है व्यक्ति को मानसिक रूप से सक्षम करने का काम भी कौन करता है, साहस करता है। और देखिए, अगर व्यक्ति जो है मानसिक रूप से सक्षम होगा तो वह जो है मन की शक्ति को संजो कर स्वयं को क्या है, आत्मिक रूप से सबल कर सकेगा। और अगर वह वस्तुतः यानी क्या,
साहस वो उदात्त भावना है जो मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां जो बाहरी शक्तियां हैं उनकी अपेक्षा जो हमारे अंदर जो आत्मिक आंतरिक जो शक्ति है उन शक्तियों का जो है अधिक इसमें महत्व है। मतलब क्या है, आत्मिक बल जो है वो होना जरूरी है और मन के साहस से जो है मानसिक शक्ति इतनी परिपुष्ट हो जाती है कि मनुष्य जो है जो विपरीत परिस्थितियां है मतलब जो खराब परिस्थितियां हमारे ऊपर आ रही है उससे भी वो जो है लगातार संघर्ष करके उनकी चुनौती स्वीकार करता रहता है और हताश हुए बिना मतलब नाराज हुए बिना क्या है जो है निडरता से वो जो है उसका सामना करता रहता है। जैसा हम युद्ध में जो दुश्मन जो सेना होती है उनका हम निडरता से जैसा सामना करते हैं और दुश्मन को जो चारों खाने चित कर देते हैं उससे भी ज्यादा जो है वह व्यक्ति साहसी है जो अपने संकल्प की शक्ति से क्या है असंभव को भी क्या है संभव बना देता है। उसी प्रकार ये जो यहाँ पर एक जो लड़की दिख रही है सरिता ये भी इसने भी जो है ऐसे ही जो असंभव चीज थी उसको क्या है अपने साहस के बल पर क्या है संभव कर लिखा है। तो आगे देखिए यह कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने जीवन की घोर विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया और अपनी जुझारू प्रवृत्ति से प्रवृत्ति से प्रवृत्ति के कारण वह साहस की एक जीती जाती मिसाल है। यह एक लड़की सरिता की सच्ची कहानी है जो बचपन में एक भयंकर हादसे का शिकार हो गई थी। फतेहपुर निवासी श्रीमती विमला द्विवेदी और श्री विजयकांत द्विवेदी की तीसरी पुत्री सरिता तब मात्र 4 वर्ष की थी। पायल पहनकर टुमकती चूड़ियों की छनछनाहट से खनकती हंसती गाती सरिता एक चंचल नदी की तरह पूरे घर को अपनी तोतली बोली से आह्लादित कर देती। 10 अगस्त 1995 को का एक दिन था जब जो है माँ विमला द्विवेदी अपने भाई को राखी बांधने इटावा गई थी। वहां एक ऐसा भयंकर हादसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए और पांव तले जमीन खिसक गई। सुबह का समय था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। सजीव धजी सरिता अपने भाई बहनों के साथ खेलते खेलते छत पर पहुंच गई। देखिए ये जो है एक कहानी है, किसकी कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने क्या है जीवन की घोर विषम परिस्थितियों को यानी मतलब जो असंभव जो चीज है उसके अंदर भी जो शक्य नहीं है ऐसे चीजों में भी जो है अपना साहस नहीं खोया है। उस विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी उसने अपना साहस नहीं खोया है और अपनी जुझारू प्रवृत्ति के कारण उसने क्या है साहस की एक जीती जागती वो मिसाल बन गई है और उस लड़की का नाम क्या है सरिता है। सरिता इस लड़की की ये सच्ची कहानी है। ये जो है कहानी किसकी है सरिता की है। अब देखिए हम यहाँ कह रहे हैं कि सरिता जो है साहस की एक जीती जाती मिसाल है। क्यों साहस की एक जीती जाती मिसाल है वो आप यहाँ हम पाठ में देखना है। तो देखिए बचपन में सरिता जो है बचपन में एक भयंकर हादसे का शिकार हो गई थी। सरिता कहाँ की थी, फतेहपुर निवासी। किसकी बेटी थी वो, श्रीमती विमला द्विवेदी और श्री विजयकांत द्विवेदी की तीसरी पुत्री थी। मतलब उसके माँ का नाम क्या था, विमला द्विवेदी और उसके पिताजी का नाम था विजयकांत द्विवेदी। ये जो है इनकी तीसरी पुत्री थी सरिता। और ये हादसा कब हुआ, जब सरिता केवल 4 साल की थी। कितने साल की थी, 4 साल की थी। और सरिता देखिए 4 साल की उम्र में कैसा पायल पहनकर ठुमकती थी, इधर उधर घूमती थी, चुड़ियों की खनखनाहट उसकी खनकती थी
और हंसती गाती ये सरिता थी, एक चंचल नदी की तरह उसको उपमा दी, उपमा दी गई है नदी की, उसकी तरह वो पूरे घर में क्या है अपनी तोतली भाषा से जो है सबको क्या है खुश कर देती थी। अब देखिए एक दिन, किस दिन का वाक्या है, 10 अगस्त 1995 का वाक्या है ये 10 अगस्त 1995 की क्या है घटना है, जब विमला द्विवेदी जी अपने भाई को राखी बांधने कहां गई थी, इटावा, कहां गई थी इटावा, इटावा गई थी, वहां पर एक भयंकर हादसा हुआ और सबके रोंगटे जाने खड़े हो गए और पांव तले जमीन खिसक गई। सुबह का समय था, रिमझिम बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, सजी धजी सरिता जो है अपने भाई बहनों के साथ खेलते खेलते जो है 4 साल की जो सरिता है वो अपने छोटे भाइयों भाई और बहनों के साथ खेलते खेलते जो है छत पर पहुंच गई है। अब देखिए वहां पर क्या है, बिजली की लाइन से 11,000 वोल्ट का बिजली का नंगा तार घिरा होकर छत पर लटक रहा था। ठुमकती ठुमकती सरिता का हाथ उस तार से छू गया, सरिता उससे चिपक गई, उसकी बिलबिलाहट और चीखों से सबको मालूम पड़ा कि क्या अनर्थ हो चुका था। उस तार से प्रवाहित होने वाला करंट इतना तीव्र और घातक था कि सरिता की हड्डियां जलकर मानो कोयला बन गई, पैरों पर पैरों में पहनी पायल, हाथों में पहनी चूड़ियां पिघलकर उसके शरीर से चिपक गई। लकड़ी के फट्टे से तार को हटाने की कोशिश में सरिता के मामा जी भी जख्मी हो गए। सरिता की मामी ने एक सूखा फट्टा मारकर सरिता को उस बिजली के तार से छुड़ाया पर स्वयं नीचे गिर गई। सरिता तो मानो एक जला हुआ भूंड बन गई थी। इटावा के डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया, अफरा तफरी में सरिता को मारुति में लेकर उसके घरवाले कानपुर पहुंचे। वहां हैलर अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। 8 घंटे तक आईसीयू में रखने के पश्चात डॉक्टर ने बताया कि सरिता तभी बच पाई जब उसके दोनों हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा। अब देखिए क्या हो गया है, सरिता जो है उसके माँ के साथ उसके मामा के घर गई है इटावा। अब जो है उसकी माँ जो है अपने भाई को जो है राखी बांधने के लिए इटावा गई थी, तब जो है सरिता मात्र 4 साल की थी और 10 अगस्त 1995 को जो है सरिता अपने मामा के वहां अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते जो है वो छत पर चली गई है। और छत पर क्या हुआ है, अब देखिए बारिश हो रही थी, रिमझिम बारिश हो रही थी और जो है बिजली के लाइन का जो 11,000 वोल्ट का जो बिजली का नंगा तार जो है ढीला होकर जो है छत पर लटक रहा था। अब देखिए सरिता जो है वहां पर खेलती कूदती छत पर गई है, तभी जो है उसका हाथ अचानक जो है तार से चिपक गया है और वो जो है उसे जो है 11,000 वोल्ट का जो है झटका लगा है बिजली का और वो जो है तार से चिपक गई है और उसकी चीखों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। अब जो है उस तार से प्रवाहित होने वाला जो करंट है इतना तीव्र और घातक था कि सरिता की हड्डियां जलकर मानो पैसे हो गई है, कोयले जैसी बन गई है और पैरों में पहनी पायल जो है और हाथों में पहनी जो चूड़ियां है वो पिघल कर उसके शरीर में चिपक गई, इतना भयंकर वो हादसा हो चुका था। अब जो है सरिता को बचाने की कोशिश की जा रही है, सरिता के जो मामा जी है और जो बस्ती के जो लोग है उसकी मामी है ये सभी जो है सरिता को उस तार से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जो है लकड़ी के फट्टे मार मार कर जो है तार को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश के बीच जो है सरिता के मामा जी भी क्या है जख्मी हो गए। अब सरिता की मामी ने जो है ऐसा वैसा कर जो है सरिता को एक सूखे लकड़ी के फट्टे से मार कर जो है उस तार से उन्होंने छुड़ाया। अब फिर जो है सरिता को छुड़ाते समय वो खुद छत पर से जो है नीचे गिर गई। अब देखिए
सरिता तो मानो क्या है, एक जला हुआ कोयले का टुकड़ा बन गई थी। अब जो है इटावा जो शहर है वहां के जो डॉक्टर है उन्होंने बिल्कुल जवाब दे दिया कि ये हमारे बस की बात नहीं है। अब जो जल्दबाजी में जो है सरिता को मारुति कार के अंदर बिठाकर जो है घर वालों ने कानपुर लेकर गए। वहां पर हैलेट अस्पताल में उसे भर्ती किया गया और 8 घंटे तक आईसीयू में उसे रखने के बाद जो है डॉक्टरों ने बताया कि सरिता अब तभी बच पाएगी जब उसके दोनों हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा। जिस समय यह भयानक हादसा हुआ सरिता के पिता जो सेना में है श्रीनगर में थे वे तुरंत कानपुर पहुंचे और उसे एयरफोर्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टर की राय के अनुसार सरिता के दोनों हाथ और एक पैर काट दिए गए। एक चहकती फुदकती चिड़िया के पांव रोपण कतर दिए गए। सारा परिवार शोक और मातम में डूब गया। अब देखिए ये जो भयानक हादसा हुआ 11,000 वोल्ट का बिजली का झटका जो इसको लगा है सरिता को, तो इस हादसे में जो है सरिता बहुत ही ज्यादा गंभीर जख्मी हो गई है। इसके वजह से जो है उससे अगर बचाना है तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि उससे क्या है उसका दोनों हाथ और एक पैर काटना पड़ेगा। अब जो सरिता के पिता को इस बात की बात का पता लगा जो कि क्या है सेना के अंदर थे और वो अभी श्रीनगर में थे, वो तुरंत ही क्या है कानपुर पहुंचे हैं और उन्हें जो है एयरफोर्स के अस्पताल में दाखिल कराया गया है किसे सरिता को। और डॉक्टरों के राय के अनुसार जो है सरिता के दोनों हाथ और एक पैर काट दिया गया है। अब जो एक खेलती कूदती चलती उदकती जो चिड़िया है उसके पांव और पंख कतर दिए गए हैं और सारा परिवार जो है शोक और मातम में डूब गया है। अब देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए। विलक्षण यानी अद्भुत अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला, क्षमता यानी सामर्थ्य, उदात्त यानी श्रेष्ठ उदार बड़ा दाता, बाह्य यानी बाहरी, परिपुष्ट यानी जिसका भलीभांति पोषण हुआ हो या पूर्ण रूप से पुष्ट, अर्जित यानी एकत्रित या एकत्र की हुई, जुझारू यानी जूझने या लड़ने वाला, वीर बहादुर, प्रवृत्ति यानी प्रवाह बहाव मन का झुकाव, आह्लादित यानी हर्षित या प्रसन्न आनंदित है ना, घातक यानी ऐसा आघात जो मार डाले। मुहावरे में यहाँ पर दुआ दिए रोंगटे खड़े होना यानी डर जाना, पांव तले जमीन खिसकना यानी हैरान हो जाना घबरा जाना। इस प्रकार से पाठ हमने देखा, इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।